आप सुन सुन के थक गए होंगे। आपको संजय जी बहुत अच्छा लगा। आपकी तबीयत ठीक है संजय जी? और अरे बेटा प्रशांत खुश हो और बताओ रक्षाबंधन कैसे बीता? हाँ डॉक्टर जी ख्याल तो रखती हूँ लेकिन बस कहीं ना कहीं ना मतलब भगवान जी ना मुझे सोचते हैं बस किसी को कुछ नहीं देना है बस तुम्हें ही देना है, तो इसलिए भगवान जी टहलते घूमते कहीं भी जाते हैं मेरे पास आ जाते हैं। अच्छा किया, चलो ये जानकर बहुत अच्छा लगा। कंजूस आपका मतलब दिन कैसा गया? अच्छा गया। पंडित भाभी के लिए मधुर लोड़ी हो गया, लोड़ी हो गया। आपके पंडित जी क्या बोल रहे थे बोलो आपको? नहीं, पंडित जी क्या बोल रहे थे आपको? अच्छा लो बताओ जल्दी जल्दी से। मधुर कंजूस डॉक्टर, आपकी एक बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती, जब आप जवाब नहीं देते हो और बिना बताए चले जाते हो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आगे कर लो भैया। पंडित जी क्या शिकायत है यार? मोनू स्वागत है मोनू। रात मधुर तो पंडित जी को क्यों बोलूंगी? पंडित जी तो हमारे दोस्त हैं ना, पंडित जी को क्यों बोलूंगी? तो पंडित जी मधुर ठीक तो ही बोल रहे थे ना पंडित जी। आर्ट्स जी आए थे वो चले गए। संजय जी आप ठीक हो? कंजूस डॉक्टर चले गए, हर हर महादेव। ओके आप भी ध्यान रखिएगा, गुड नाइट। पंडित जी ऐसा क्या हुआ था? मधुर पूछ रहे हैं बताइए। कंजूस डॉक्टर कहाँ चले गए? चलो आप लोग भी सो जाओ, मैं भी सूस अटक से सो जाती हूँ। ठीक भाई प्लीज आप लोग मैसेज कर लो यार, मेरा वैसे भी सर भारी है, मैं जल्दी कहीं बाहर निकलती नहीं हूँ और जब मैं कहीं निकलती हूँ तो मुझे मेरा सर भारी हो जाता है। बनो क्या कुछ नहीं मधुर, मेरी तबीयत ना बताएं भगवान जी ना जब जिधर से भी जाते हैं मेरी तबीयत जानते ही हैं कि इसको मतलब कुछ ना कुछ हुआ है तो इसको बस दे के चले जाते हैं, कोई मिलता ही नहीं है, बस हम ही मिलते हैं भगवान जी को। हाँ बेटा जी सर तो दुख रहा है, कहने की बात तो है नहीं। रंजीत स्वागत है। कल रात आप 2 बजे तक बात किए? मधु लाइव आए थे क्या? मधु मतलब पंडित जी बोले कि बबीता मेरा मूड खराब कर दी, ऐसा बोले? अच्छा इंस्टा पे। अरे पंडित जी तो कुछ तो शर्म कर लो यार, आपने मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहे थे। अच्छा चलो चलो मैं आपका आपका ये मनोकामना पूरी